हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग मेरी तरह अच्छे होंगे। और आज हम लोग आए हैं कुकरैल फॉरेस्ट रिजर्व में, जो कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं और अपनी बाइक जो हमने उधर पार्क कर दी है, यहाँ पे जो पार्किंग चार्जेस है वो 10 रुपीज़ बाइक का है और 5 रुपये साइकिल का, उधर कार का 20 रुपीज़ है। और यहाँ पे कोई एंट्री चार्जेस नहीं है। तो चलिए अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं अंदर से कैसा है। काफ़ी बड़ा है तो एक एक करके धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। सारी बर्ड्स भी हैं और बहुत तरीके की बर्ड्स हैं, उनके यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, उनके नाम भी मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं अंदर, कोई अगर बर्ड दिखेगी बढ़िया यूनिक तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। तो अभी तो चल रहे हैं, अभी पता नहीं काफ़ी बड़ा है ये, 9 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है पार्क। और ये जो कुकरैल जो फॉरेस्ट है ये किसके नाम पर पड़ा? ये जो कुकरैल जो पुल आप देखते होंगे उसी के नाम पर ही इसको रखा गया था, कुकरैल फॉरेस्ट को। यहाँ पे जो एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल दोनों ही हैं। और यहाँ पे सॉल्ट वाटर वाला जो अपने आपको पता ही है वो घड़ियाल होता है, और जो जो साफ पानी में रहता है वो क्रोकोडाइल रहता है। तो दोनों ही चीज़ हैं, और शायद एक और भी कोई है, उसका मेरे को नाम नहीं पता। तो देखते हैं, अगर कहीं दिखेगा तो अभी दिखाएंगे। और काफ़ी बढ़िया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंशन कर रखा है ग्रीन हट है, वन है। तो ये पूरा यहाँ पर प्लेइंग सेक्शन भी है, वहाँ पर थोड़े से झूले भी लगाए गए हैं। और तब तक जाइए, कुछ यहाँ के सिनेमैटिक शॉट इंजॉय करके आइए। और यहाँ पे ये बढ़िया है, यहाँ शांति काफ़ी ज़्यादा है और ये बिल्कुल फैमिलियर पार्क है। यहाँ लोग फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा आए हैं, पर यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे, काफ़ी अंदर तक चले गए हैं। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, अगर कुछ दिखेगा तो दिखाएँगे ज़रूर। यहाँ पे टहल रहे हैं और ये काफी बड़ा पार्क है। और ये क्या दिखा यार, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे सांप भी पाए जाते हैं। अबे इनको तो मेरी देख के फट रही है यार, अभी से देखने कहीं किनारे चल ना रहा हो। दो, अरे इससे बड़ा सांप अपने घर में पाल रखा है। कहाँ? घर में है मेरे। तो इंडियन को यहाँ पे टहल रहे हैं और काफी बड़ा है। अभी आगे की ओर जा रहे हैं, अभी तो कुछ ज्यादा मेरे को देखने को यहाँ मिला नहीं है। अभी तो जब से एंट्री करी बस ये चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। हम लोगों को उत्तराखंड की थोड़ी बहुत क्यों फील बहुत ज्यादा 95% मिल रही है। इतना ज्यादा यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं काफी, क्योंकि आप जान ही रहे हैं फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में क्या जंगली तो होगा। और यहाँ पे जंगल में ऐसी इन्होंने चीज जो बना रखी है मैन मेड, काफी बढ़िया है। और अभी हम लोग यहाँ पे चल रहे थे तो हम लोग को एक कुकरैल औषधि वन देखने को मिला, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो इसके बारे में जरा देखते हैं अंदर क्या क्या है यार। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये एक कुकरैल हर्बल गार्डन है जहाँ पर जो है औषधियाँ हुआ जाती है, नेचुरल हर्ब्स जो होती हैं जो यूज़ होती है मेडिसिन बनाने के लिए। अच्छा। और इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, रेंज का नाम कुकरैल, और ये क्षेत्रफल जो है 1.0 हेक्टेयर में है। इसकी स्थापना 18 से 19 के बीच हुई थी। बस बस। और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि अश्वगंधा, बुलेठी, और मतलब ये सब चीज़ें जो नेचुरल होती हैं। अंदर तो गाय टहल रही यार। हाँ, उनको भी रखा गया है, फॉरेस्ट है तो गाय और सब कुछ होगा, शेर छोड़ के। शेर तो हम ही लोग हैं टहल ले। अरे ज्यादा हो गया यार लगता है ना, शेर अच्छा, शेर तो नहीं है हम लोग। तो अंदर यही सब होता है, दवाइयाँ बनाने के लिए जो नेचुरल हर्ब्स यूज होती है वो सब यहाँ उगती है। बस टहल ले। अब आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या आगे, देखते हैं क्या मिलता है यार। और मेरे को मजा आ रही काफी यहाँ पे पार्क में, क्योंकि काफी बड़ा है, क्योंकि 9 किलोमीटर तक फैला हुआ है गाइस। 9 किलोमीटर कम नहीं होते, काफी होते हैं। 9 किलोमीटर मतलब 9000 मीटर भाई। और मेरे को एक गाइस एक बात करनी है, यहाँ पे मतलब कुकरैल पार्क में अगर आप सर्च करेंगे जो इसका कुकरैल पार्क का मैप आता है उसमें एक लिखा था कुकरैल कपल स्पॉट। ओ माय गॉड, उनका स्पॉट, उनके लिए भी एक अलग से स्पॉट बनाया गया है गाइस, कुकरैल लवर्स स्पॉट। वहाँ सिर्फ लवर्स लोग आते हैं, जैसे ये कौन भी है? ये अभी आप अकेले देख रहे हैं, अकेले नहीं आया है, किसी साथ में लेके आया है, वो अभी पीछे टहल रहा है। टहल रहा है, देखा टहल रहा है। अरे आप समझ रहे ना, आप बोलेंगे नहीं, इसके घर वाले देख लेंगे फिर हमको सुनाएंगे।
बहुत मेरी फैन फॉलोइंग है। और अभी हम लोग आ चुके हैं गाइस यहाँ पे जो मैं क्रोकोडाइल की बात कर रहा था वहाँ पे, और ये रहा सामने, ये रूट यहीं पे ख़त्म होता है और अंदर हम लोग को एलिगेटर और क्रोकोडाइल देखने मिलेंगे। ये देखिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, देख सकते हैं कितनी दूर तक की फैला हुआ है। सीमा 1250 रनिंग मीटर। और ये देखिए अभी हम लोग अंदर की ओर एंट्री कर रहे हैं। इसके खुलने का समय आप देख सकते हैं सुबह 10 से 5। और अभी हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा हैं। ओह हो, ये देखिए गाइस खतरनाक लग रहे हैं, पूरे सब पड़े हुए हैं, सब अभी धूप खा रहे हैं। ये साले नकली लग रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। अभिषेक बोलो, ये तो ऐसा लग रहा है नकली साले पड़े हुए हैं। एक उंगली अपनी दे के देखो अंदर, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा भाई, इनकी आंख की तरफ ज़ूम करके अगर आपको दिखाएंगे तब पता चलेगा। अबे ये एक उंगली दे के देखो इनके मुंह के आगे भाई, उंगली करना बड़ी बात है। उसमें लिखा था 500 रुपये जुर्माना है अगर उंगली की। ये सब असली है, देखिए इनके आंखें, देखिए ध्यान से सब हिल रही हैं। बहुत खतरनाक लग रहा है गाइस। अगर इसको आप, मैं तो एक बार कहूंगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं, पक्का विजिट करें, एक बार विजिट जरूर करिएगा और फैमिली के साथ विजिट करिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस अभी हम लोग ने ये देख लिया है एलिगेटर, तब हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे देखते हैं आगे देखने क्या मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आके यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इतनी वैरायटी के टर्टल भी है, अगर देखने को मिलते हैं तो आगे चल के दिखाते हैं। यहाँ पे सिर्फ यही है क्या, यहाँ पर उनके बच्चे हैं, यहाँ पे वो बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं। ये देखिए काफ़ी छोटे साइज में हैं पर बहुत साले छिपकली लग रहे हैं देखने, घातक हैं पर पूरे वहाँ बिथरे हुए हैं। आगे दिखाते हैं आपको, ये देखिए गाइस बहुत खतरनाक है, डर लगता है इनको देख के। ये मज़ेदार हैं पर यहाँ पर सिर्फ घड़ियाल और शायद वो आगे तक टर्न होगा उसका। तो गाइस जैसे ही इसके अंदर आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे एक घड़ियाल का स्टैचू बना रखा है, काफ़ी बड़ा साइज का है। ये देखिए मेरे पीछे ये है, तो चलिए इसके अभी अंदर आपको मुँह से लेके चलेंगे। और ये सिर्फ आधा ही इसका हिस्सा है, आधा खा गए भूख लगी थी, चलिए मुँह से एंट्री करेंगे। सकते ये मछली पकड़े हुए हैं अपने मुंह से। तो गाइस अभी हम लोग अंदर से एंट्री कर रहे हैं और ये देखिए अभी मुंह के पास, अबे ये मछली पकड़े था, नॉन वेजिटेरियन है इसके पेट में तो कुछ भी नहीं, सब अतड़ी पतड़ी सब निकाल ले गए हुए पेट में, देख रहे इतनी सारी चीजें हैं इसके। चलो आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या देखने आगे क्या। तुम्हारे जैसे लोग नहीं है अंदर, मतलब आगे गाइस बड़ी भीड़ से रुकी हुई है, आगे भीड़ भाड़ कुछ ज्यादा ही है लग रहा, कुछ होगा, कुछ है नहीं, या तो खत्म है, एंड है, इंटरेस्टिंग होगा लग रहा कुछ अंदर, हो सकता है, हो सकता है भाई, क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है, इंटरेस्टिंग तो अब वो हम बोलना नहीं चाहेंगे, पता नहीं मैं भी इस बारे में बात नहीं करता। ये क्या दिया है भाई। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और वो जो म्यूजियम था वो बंद ही था। ये जो आप मेरे पीछे लेक देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े से क्रोकोडाइल्स को रखा गया है, अभी यहाँ से विजिबल नहीं हो रहे हैं, थोड़े अंदर जाके हैं इतना दिखेगा नहीं आपको, पर यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी बर्ड्स हैं बैठी हुई हैं, पर इतना मेरे में जूम नहीं है तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, पर अपनी आँखों से देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा आपको। तो अब चलते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लायक हैं, तो हम लोग वहाँ चल रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और अब देखते हैं आगे मेरे को क्या देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे बढ़िया था, यहाँ पे जो एलिगेटर का जो स्टैचू बना रखा है ये भी काफ़ी बढ़िया था, फोटो पॉइंट था एक तरीके से, मैंने भी फ़ोटो खिंचा ली, अगर आपको देखनी है तो इंस्टाग्राम पे जाके फटाक से फॉलो कर लो, नीचे हैंडल आ रहा होगा इंस्टाग्राम पे, तो फोटो सारी वहीं पर अपलोड हो रही हैं। तो अब चलते हैं आगे की ओर। अच्छे भाई यहाँ पर कैसा लगा, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया था ना, फ्री ऑफ कॉस्ट घूम रहे तो बढ़िया तो लगे, एक नंबर। तो आगे देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं किड सेक्शन में और यहाँ पे अभिषेक भाई झूला झूलने जा रहे हैं, ये देख सकते हैं किड थे
तो अभी हम लोग यहाँ पे झूला झूलेंगे, हम भी झूलेंगे साथ में। पहले मैं जाऊँगा। तुम जाओगे? पहले मैं जाऊँगा। ठीक है जाओ। देखे रहे ना बीच में टूटा ना हो, अगर टूटे तो उसके अलग चार्जेस है। ये देख सकते हैं इतना बड़ा मनुष्य भाई, आगे से छेद है यार, मेरा छेद हो जाएगा। तो इसी में आना सीधा जम से। चलो सब में है 95 किलो के। एक कुर्तल देखे पिछला गिरता का टूट गया, सरकार पैसा अभी से दे। अबे आवाज इधर, आवाज कर रहा है तो हम ज्यादा ताकत लगा नीचे नहीं आएंगे। आ जाओ वापस, आ जाओ। बच्चों झूले काहे तोड़ रहे हो यार। ले हो, हाँ तो जाइए ना, किसने रोका है आपको मरने के लिए? अबे अबे ये प्लास्टिक है भाई, ना कर भाई। जूते के थ्रू में डालते हुआ गाय से तो निकल गया। तो गाय तो हम लोग ऊपर जाके देखने वाले हैं ऊपर से व्यू कैसा आता है। तो चलिए चलते हैं, आराम से चलना, सब कमजोर है, पुराना बना है। चलो गाय, ऊपर तो लग रहा है तखत पड़ा हुआ है किसी का। अबे भाई ये तो बहुत खतरनाक, यहाँ पे जीने भी कमजोर है काफी यार। यहाँ देख सकते हैं बीच में नहीं खड़े होने वाला, यहाँ खड़े हो। ये देखिए ऐसा कुछ है ऊपर से। अभी से की हवा टाइट हो रही है क्योंकि नीचे देख सकते हैं नीचे कोई सपोर्ट में नहीं है, बस यहाँ पे छोटे छोटे बड़े से पटरे पड़े हुए हैं। और ऊपर से व्यू देखिए, ये देखिए ऊपर आ चुके हैं। ऊपर से बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी के बाग में आ गए। ऐसे लग रहा है बिल्कुल। पेड़ बड़े बड़े से हैं। अब चलिए नीचे उतरते हैं, बड़ा खतरे खतरनाक जीने बना रखे हैं यार। जनेश्वर को टक्कर बीच बीच में गायब भी हैं। देख भाई मेरी तो हवा टाइट हो रही है। तो गाइस यहाँ पे छोटी सी कैंटीन भी है, अगर आप कुछ चाहते हैं तो यहाँ पे खा पी सकते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और मेरे पास देखिए 5 रुपए हैं। एक गरीब आदमी घर से मैं लेके आया था, मुझे मम्मी ने पॉकेट मनी दी थी एक महीने की, तो वहाँ चलते देखते 5 रुपए में क्या मिलेगा। ये क्या है, मोर की देखिए, कोई मोर की मुंडी काट ले गया यार। अबे नेवला उन्हें ले गया क्या? देखिए अब चलते हैं, ये 5 रुपए में क्या मिलता है। 5 रुपए में बताए हमने गुल्लक में डाल लो। गुल्लक में नहीं, अब दुकान पे चल के देखते हैं। पांच भैया 5 रुपए में कुछ मिलेगा क्या? बता दो, गुल्लक में डाल लो। अभी चल के देखते हैं, आइए। चाय पियोगे? आइए देखते हैं, चाय पिलाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ थोड़ा बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, और तब तक मैंने चाय ऑर्डर करी है। ये चाय आई, अभी इसको पी के बताएंगे, रिव्यू देंगे कैसी चाय है यहाँ की। और मैगी भी बोली, वो अभी बन नहीं है, आती है फिर बताते हैं। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक और दोस्त मिल चुका है। कोई भी पार्क में जाते हैं पर मेरे को डॉग्स जरूर मिलते हैं, और मैं उनको वीडियोस में जरूर लेता हूँ अपनी वीडियोस में। ओह ये क्या लेके आ रहे हो? गाइस दिस इज पेटीज। गरम है? हल्का गरम, इतना प्रॉपर गरम नहीं पर गरम। चलिए ये पेटीज आ चुकी, ये चाय है, तो अभी चलो पी के बताते हैं चाय कैसी है। चाय भी ठंडी है, ज़्यादा गर्म नहीं है क्योंकि जो मशीन में लगी थी वो मशीन बंद हो गई थी। तो ठीक है, ज़्यादा ठीक है, इतनी बढ़िया गर्म नहीं चाहिए। पानी है, इतनी अच्छी भी नहीं है, पानी चलेगा, बस पीने के लायक है, चलेगा। पेटी चाय बताओ, पेटी में आलू है। मैं ऐसे देखता हूँ, अगर देखो ऐसे देखो, अरे इसका एक ही मिला दिए क्या? इसका तो आत्मसमर्पण हो गया यार। कुछ मिला? हाँ आलू है पर पेटी ठंडी है, कोई दिक्कत नहीं, धूप में रख कर खाएंगे। अभी पहले खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस अपनी मैगी आ रही है, और ये मैगी अपनी आ चुकी, देखें भैया। भैया ले जरा 50 रुपए ले, देखो ले ये अपनी 50 वाली मैगी। क्वांटिटी कुछ ज़्यादा नहीं कम है? बहुत ज़्यादा ले लिया भाई। बहुत ज़्यादा खरीद लिया, कोई नहीं, पर अगर टेस्ट होगा बेकार हुआ फिर। आज अब मैं हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ का टिकट दिया है। हाँ अब हम लोगों ने टिकट दिया है, इसको रुको। क्या हो गया, 2 प्लेट लिया अंकल ने कहा दिया, तो हमने लेस ले लिया क्योंकि पैसा दिया, 50 रुपये दिया, 2 रुपये प्लेट तो खर्चा करें।
और हम लोग ने इससे पहले मैगी पतंजलि कब कहाँ खाई थी पूर्णगिरी में, तो सेम इतनी वो भी थी। कैसा रहा टेस्ट, कुछ शकल देख के इधर बताओ ना। ठीक ठाक है बस ये कहेंगे कि ठीक नहीं है, बस बाकी सब ठीक है, पर खा लेते हैं, खा लेते मिलते हैं। ओके, पार्क के अंदर टहल लें और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किसी जंगल में आ गए, पर काफ़ी बढ़िया है, मज़ा आ रही है। और थोड़ा सा अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, कुकरैल फॉरेस्ट के बारे में। तो गाइस ये जो कुकरैल फॉरेस्ट है ये 1950 में ये शायद स्टार्ट हुआ था कि बना था स्टार्ट हुआ था, एक ही बात है। तो 1950, और ये जो कुकरैल जो पार्क है फॉरेस्ट है ये 9 किलोमीटर की तक की फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे जो एलिगेटर्स हैं क्रोकोडाइल है और क्या था टर्टल है, तो इनको यहाँ पे ये लोग फीडिंग करवाते हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा संभाल के इन्होंने रखा हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया है। पर यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अपने लखनऊ में नहीं, लखनऊ तो कहीं बाहर घूम टहल रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या रोड है, छोटी सी रोड है, इसी के थ्रू हम लोग चल रहे हैं। और इधर देखिए पूरा जंगल है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, हम लोग बस टहल ही आ रहे हैं। पर ये सोच रहे हैं कहीं सांप ना मिल जाए यार, इतने सारे वहाँ पे सांप दिखा रखे थे, कहीं आमने सामने कहीं बैठा होगा इंडियन कोबरा तो मेरी तो फट जाएगी। यहाँ पे मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं यहाँ पे हम लोग झूले झूलने आए थे, पर यहाँ के तो झूले अपने आप ही चल रहे, वो देखिए ये देखिए अपने आप झूल रहा है। ये तो गाइस हम लोग ने पूरे कुकरैल पार्क को घूम लिया है, अब हम लोग यहाँ से बाहर चल रहे हैं क्योंकि ज्यादा कुछ था नहीं, जितना कुछ था मैंने आपको दिखा दिया। वैसे 2 किलोमीटर का पार्क सिर्फ एक्सेस करने के लिए है, बाकी का जो है 7 किलोमीटर बंद कर रखा है, खतरा हो सकता है इसलिए। तो वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करा बिना मत जाना। अगर आप लोगों ने चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का दबाना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे आ रहा होगा, वहाँ जाके फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको वहीं देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं इसी को नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।